ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने चैनल सिटी हलचल पर, और नजर डालते हैं एक मिनट एक खबर यानी कि फास्ट न्यूज पर। पहले सोमवार की तैयारियां शुरू। सावन के महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 10 जुलाई यानी सोमवार से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। सावन के महीने में सोमवार के दिन बाबा उग्रदानी का जल अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस दिन शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, ताकि भोले के भक्तों को परेशानी न उठानी पड़े। गौरतलब है कि कई सालों में ऐसा योग बन रहा है कि सावन माह की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है और सावन महीना खत्म भी सोमवार को होगा। इस विशेष योग के चलते जहां भक्तों ने विशेष तैयारियां की हैं, तो वहीं बाबा भोले का भी विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। अगर आप भी बाबा की विशेष कृपा चाहते हैं, तो भांग धतूरा दूध दही के साथ बाबा भोले का जल अभिषेक करें। सोमवार को हो सकते हैं नाम चस्पा। विद्युत विभाग अपने बकायादारों के नाम सोमवार सुबह सभी बड़े चौराहों पर चस्पा करा सकता है, और इसका पूरा प्लान भी बना लिया गया है। विद्युत विभाग अपने बकायेदारों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। विद्युत विभाग का साफ कहना है कि अगर बिजली भरपूर दी जा रही है, तो फिर बिल का भुगतान भी करना होगा। बड़े बकायेदारों के जहां कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो वहीं अब विद्युत विभाग ने 50,000 रुपए से ज्यादा बकाए वाले उपभोक्ताओं के नाम शहर के प्रमुख चौराहों पर चस्पा करने की प्लानिंग की है, और इस प्लानिंग को सोमवार को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। यानी सोमवार से शहर के प्रमुख चौराहों पर बकायेदारों के फोटो और एड्रेस पोस्टर पर चस्पा हुए आपको नजर आए तो दंग मत होइएगा। विद्युत विभाग हर डिवीजन से 10 बड़े बकायेदारों का नाम इन पोस्टर्स पर चस्पा करेगा, ताकि जल्द से जल्द ये बकायेदार लोकलाज के चलते बिजली का बिल जमा करा दें। 5 दिन होगा बसों का ही सहारा। रविवार से नौचंदी संगम और राजी रानी एक्सप्रेस 5 दिन के लिए रद्द रहेंगी। यानी इलाहाबाद और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को इन 5 दिनों में केवल बसों का सहारा होगा। अगर आप ट्रेन से इलाहाबाद या फिर लखनऊ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 5 दिन आपको निराशा ही हाथ लगेगी। दरअसल मेरठ सिटी से दोराला तक रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, जबकि कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। इस लिस्ट में अब नौचंदी संगम और राजरानी एक्सप्रेस 5 दिनों तक रद्द रहेगी। यानी रेल रद्द होने से सबसे ज्यादा दिक्कत उन यात्रियों को झेलनी पड़ेगी जिनका इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना है, या फिर उन अधिकारियों को जिन्हें राजधानी लखनऊ के चक्कर लगाने होते हैं। हालांकि समस्या से निजात पाने के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। मेरठ से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुबह 6 बजे, 7:15 बजे, 8 बजे और 9 बजे बस मिलेगी। एसी बस का किराया 722 रुपए होगा। स्लीपर कोच का सिटिंग का 566 रुपए, स्लीपर बर्थ का 666, जबकि सामान्य बस का किराया 466 रुपए होगा। उमस से संडे हुआ फीका। शनिवार के बाद रविवार को दिन भर उमस ने हाल बेहाल किए रखा, जिसके चलते शहरवासी दिन में संडे को एंजॉय नहीं कर पाए। संडे के दिन अधिकतर लोगों का ऑफ होता है, तो सभी सोचते हैं कि संडे के दिन कहीं घूमा या फिर शॉपिंग ही कर ली जाए। लेकिन रविवार को दिन निकलते ही उमस ने हाल बेहाल कर दिया। सूरज की तपिश ने लोगों को झुलसाया और संडे होने के बावजूद दिन में बाजार सूने सूने से नजर आए। शनिवार की उमस को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन रविवार को भी बारिश नहीं हुई। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा, और 11 या 12 जुलाई को थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। यानी साफ है कि जान निकाल देने वाली इस गर्मी से कुछ और दिन 2-4 होना पड़ेगा। 2 सेंटर्स पर हुआ एमएड एंट्रेंस। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एडेड प्राइवेट एमएड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए रविवार को शहर में 2 सेंटर्स पर एमएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एडेड प्राइवेट कॉलेजेस में सत्र 2015-17 में एडमिशन के लिए रविवार को एंट्रेंस हुआ। एमएड में एडमिशन के लिए कुल 7 केंद्रों पर एंट्रेंस हुआ। मेरठ में एंट्रेंस के लिए 2 केंद्र बनाए गए थे, बालेराम ब्रजभूषण इंटर कॉलेज शास्त्री नगर और रुड़की रोड के CAEHS को सेंटर बनाया गया था। दोनों ही केंद्रों पर शांतिपूर्ण प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। एग्जाम देकर निकले स्टूडेंट्स के चेहरे की खुशी देखकर साफ पता लग रहा था कि परीक्षा काफी आसान रही। एंट्रेंस के बाद अब जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बार कोशिश की जा रही है कि सत्र को पटरी पर लाया जा सके। बता दें कि एमएड का सत्र 2 साल लेट चल रहा है। जेल से शिफ्ट होंगी महिला बंदी। बागपत में 2 महिला बंदी रक्षकों की तैनाती होने पर मेरठ से 37 महिला मां शिफ्ट करा दी जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही मेरठ जेल में बंद 37 महिला बंदियों को बागपत जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दरअसल बागपत जेल में महिला बंदी रक्षक न होने की वजह से 37 महिला बंदियों को मेरठ जेल में रखा गया था। इन 37 महिला बंदियों में से 10 सजायाफ्ता महिला बंदी भी है। स्थानीय जेल में शिफ्ट होने से परिजनों को भी राहत मिलेगी, वहीं मेरठ जेल का भार भी कुछ कम होगा। महिला बंदियों को शिफ्ट करने के लिए IG से अनुमति मिल चुकी है और फाइल शासन को भेज दी गई है। उम्मीद है कि शासन से जल्द ही अनुमति मिल जाएगी और इसके बाद महिला बंदियों को यहां से बागपत शिफ्ट कर दिया जाएगा।
सीरियल हलचल में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते पिछले हफ्ते की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पिछला हफ्ता परिवर्तन के तौर पर काफी महत्वपूर्ण हफ्ता साबित हुआ है, क्योंकि यहां पर जो एडीजी थे आनंद कुमार, उनको प्रमोशन मिला है और पूरे सूबे की कमान उनको मिल गई है, और मेरठ में नए एसएसपी मंजिल सैनी के रूप में मिली है। जी हाँ, अब इस पूरे हफ्ते में क्या क्या चीजें हुई कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर काम शुरू हो गया है और आने वाला हफ्ता और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हफ्ते में कांवड़ के लिए लोग अपने घर से जाना शुरू कर देंगे, भक्त जाना शुरू कर देंगे और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ विधिवत तौर पर सोमवार से शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ ये बात भी तय है कि कानून की दृष्टि से ये पूरा हफ्ता या आने वाले दिन काफी संवेदनशील है, इसमें आपको भी सजग रहना है, पुलिस का सहयोग करना है, क्योंकि पुलिस ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है कांवड़ यात्रा को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए। नई एसएसपी मंजिल सैनी हर तरफ जा रही है, हर व्यक्ति से बात कर रही है, हर पुलिसकर्मी से बात कर रही है, मोटिवेट कर रही है, कोशिश कर रही है पुलिस और पब्लिक के बीच कम्युनिकेशन गैप सबसे कम हो। फुट मार्च किया जा रहा है, मंदिर में भी गई है और पुलिस लाइन में बैठक कर सभी दरोगाओं को, इंस्पेक्टर्स को और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए। वहीं पर आईजी और एडीजे भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि कांवड़ यात्रा अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। वहीं पर हमारी आपसे छोटी सी अपील है, अगर आप अपने आसपास कोई भी संदिग्ध चीजें देखते हैं तो 100 नंबर पर तुरंत इन्फॉर्म कीजिए और पुलिस का सहयोग करिए, क्योंकि पुलिस का आंख और कान बनकर आप इस कानून व्यवस्था में अपना रोल अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। वहीं पर पिछले हफ्ते एमडीए ने दो बड़ी कार्रवाई की है, दो बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत 63 दुकानों को सील किया गया है, सीज किया गया है, अवैध निर्माण था, सरकारी जमीन पर था, और ये बताता है कि जब भी अवैध निर्माण होता है तो शुरुआत तो अवैध निर्माण की हो जाती है और उसमें कुछ लोग मिलकर अपना आर्थिक फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो इस अवैध निर्माण को कराता है वो एक तरफ कानून को तोड़ता है और दूसरी तरफ उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि सरकार से ऊपर कोई नहीं है, प्रशासन से ऊपर कोई नहीं है, कानून के साथ कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, और कानून के अंतर्गत जो भी चीज दर्ज है वो सरकारी है और सरकारी चीज पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कभी भी कहीं भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 58 पर दुर्घटनाएं चलती जा रही हैं, हर दिन हर दूसरे दिन एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है जो दहला जाती है। जी हाँ, नेशनल हाईवे पर हमारी जितने भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी है उनसे छोटी सी अपील है कि वो वहाँ से गुजरने वाले वाहनों की सुरक्षा के मद्देनज़र चेकिंग करें और उनको देखें, क्या वो ड्रिंकिंग करके तो नहीं चला रहे हैं, ड्रिंक करके तो नहीं चला रहे हैं, क्या उन्होंने बेल्ट लगा रखी है और दो पहिए वाहन वाले हेलमेट पहनकर चल रहे हैं या नहीं। वहीं पर एसपी ट्रैफिक से एक छोटी सी अपील है कि उन लोगों का चालान किया जाए जो लोग हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे और हेलमेट के अभियान को अच्छी तरीके से अप्लाई किया जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा में एक कदम जरूर प्रभावी तौर पर रखा जा सके। वहीं पर नया सेशन शुरू हो चुका है, नए सेशन होने के बाद गुरुकुल के गुरु घंटाल को हम गुरु कमाल के रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है उस रिसर्च में हमें पता चल रहा है कि 7:45 बजे हमें रोहटा रोड पर, 7:45 बजे हमें गंगानगर के चौपड़े पर कमिश्नरी रोड पर, 7:45 बजे हमको कमिश्नरी चौक के अलावा रेलवे रोड पर, 7:45 बजे ही हमें जेलचुंगी रोड पर और तेजगढ़ी चौपड़े पर टीचर्स जाते हुए मिलते हैं, 8 बजे का स्कूल है। जी हाँ, फिर हमारा कैमरा घूमेगा, फिर आप में हलचल होगी, और चलते चलते ये भी बता दें कि नए बीएसए आ रहे हैं, नए बीएसए अपने आप में काफ़ी सख्त हैं और शिक्षा जगत में उन्हें काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर में रहकर, मवाना डाइट में रहकर शिक्षा को उठाने के प्रयास किए थे। जी हाँ, तो इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम आपके सामने गुरुकुल का धमाल लेके आएं, गुरुकुल के कमाल लेकर आएं, लेकिन साथ ही साथ उन चेहरों को का भी पर्दाफाश करें जो किसी भी तरीके से छात्रों का भला करने के लिए काम नहीं करते, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं और हर उस काम में लगे रहते हैं जिससे सरकार की शैक्षिक नीतियों में पलीता लगे। जी हाँ, हम इस कांवड़ के दौरान जरूर आपके बीच में आएंगे,
आपसे जानेंगे कि आपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि सावन के महीने में पर्यावरण को बचाना अपने आप में बड़ा कार्य है। अगर शास्त्रों की बात करी जाए तो सावन के महीने में अगर हम पेड़ लगाते हैं और स्पेशली पीपल के पेड़ लगाते हैं तो उससे काफ़ी पुण्य भी मिलता है, प्रकृति संतुलन में भी आती है और साथ ही साथ हम एक ऐसा काम करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी फलदायी होगा। तो इस सावन में आइए हम सब लोग व्रत लेते हैं कि पानी की बर्बादी रोकेंगे, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करेंगे, पेड़ लगाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि मंदिरों में जब जाएं तो वहाँ पर ये संकल्प लेकर आएं, ये बात दोहराएं भगवान के सामने खड़े होकर कि हम आसपास के एरिए को साफ रखेंगे, हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए। जी हाँ, तो मिलते हैं पहले सोमवार को आपके साथ एक विशेष कार्यक्रम में जो हम ओगड़नाथ से लेकर आएंगे आपके लिए।